इलेक्ट्रिकल मशीन लैब सिमुलेशन ये वर्चुअल लैब है जो कि आप लोगों को वर्चुअल लैब के वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार चार लैब प्रैक्टिकल करवा दिए हैं। आज हम पांचवें प्रैक्टिकल पर भी चलेंगे जो कि हमारा है टू परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय यूजिंग वार्ड लिनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो इस पर हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर में इसने क्या दिया है, कनेक्ट पॉइंट ए वन बी वन सी वन ऑफ एम सी वी स्विच टू इनपुट पॉइंट ए टू बी टू सी टू। ठीक है, उसके बाद है कनेक्ट आउटपुट पॉइंट ई वन एफ वन जी वन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू पॉइंट ई टू एफ टू जी टू ऑफ इंडक्शन मोटर रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट डी वन डी सी सप्लाई विद द पॉइंट। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए हैं इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। ठीक, कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को जो सर्किट है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक, ये जो सर्किट है सेम अगर इसी तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, जो कनेक्शन दिए गए हैं इसके सेम कनेक्शन इसी तरीके से होंगे। और इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन भी दिए रहते हैं, जब आप मतलब कि आगे पहुँचते हैं तो इसके इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको कनेक्शन भूला जा रहा है तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों जो बटन दी गई हैं इनको आपको कंट्रोल करना सीखना होगा, और इस तरीके से आपका टेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कनेक्शन नंबर टू वाला डायग्राम। ठीक, यहाँ से आप नहीं नहीं कनेक्शन आपका सेम रहेगा, बस प्रैक्टिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ जो प्लॉट होगा वो इस तरीके से होगा। तो अभी हम चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल खुल चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे बताया था कि ए वन को ए टू से जोड़ना है ना, बी वन को बी टू से, सी वन को इससे, ठीक, उसके बाद डी वन को डी टू से, ठीक, और के वन को इसको हमें जोड़ना है K2 और इसमें L1 में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है ये वाला तीनों, एक बार करते हैं फिर देखते हैं चेक करके सही है कि नहीं कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं चेक करता हूँ क्या बोलता है ये एक बार, इसमें कोई छूटा तो नहीं है। अलर्ट कनेक्शन कनेक्ट कनेक्शन प्रोसीड टू टेक रीडिंग, मतलब अभी भी कहीं छूटा हुआ है क्या। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में, लेकिन ये काफी इधर है। एक मिनट, इंस्ट्रक्शन में कनेक्ट ए वन बी वन टू बी टू, चलो एक बार देखते हैं स्विच ऑन करके।
तो स्विच ऑन हो गया, इसका मतलब हमारा कनेक्शन एकदम सही है। ठीक है, तो अभी जैसा इसने बताया था कि हमको चलिए जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है एक मिनट, तो अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो है हमारा स्टार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे। ठीक, स्विच ऑन करने के बाद हम ऑटो ट्रांसफार्मर को, ऑटो ट्रांसफार्मर पे भी हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ से हम डीसी जनरेटर फील्ड रेजिस्टेंस को बैरी करेंगे। ठीक है, अब हमारा फील्ड रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया। इस वायर पे मैं इस तरीके से क्लिक करना है जो A1 से A2 की तरफ लगा, तभी ये एक्टिव होगा। उसके बाद अब हम इसे वन, पहली वैल्यू हमारी जो है देखो कितना वोल्ट मीटर डिस्प्ले है 194, और स्पीडोमीटर कितनी स्पीड पे चल रहा है डीसी मोटर का 1474। तो इसको हम वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसको ऐड करते रहेंगे, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे डीसी फील्ड रेजिस्टेंस को। तो अभी देखो 177 पे 1425 स्पीड है इसकी, इसको भी ऐड कर लूंगा। अब देखिए इस तरीके से इसकी जो स्पीड कम हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज कम हो रहा है, वन फिफ्टी एट पे 1262, ठीक है, और 155 पे हमारा 1163, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 142 वोल्ट मीटर पे हमारा हो गया कितना 962। और अगर हम एकदम हाई स्पीड कर दें इसका, एकदम हाई स्पीड लास्ट में, तो देखिए कितना है 200 वोल्ट मीटर पे है, 200 वोल्ट पे कितना चल रहा है 1499। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अभी हम इसके स्विच को ऑफ करते हैं। ठीक है, अब फिर से ऑन करते हैं। यानी कि जो भी हमारी रीडिंग है वो इतनी ही आएगी, इसमें फिक्स रहता है कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं किसी भी वोल्टेज पे, 158 पे, और उसके बाद 160 पे भी ले जा सकते हैं, 155 पे ले जा सकते हैं, 142 पे ले जा सकते हैं, 168, 164, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे जो हमारी रीडिंग आ रही है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो ठीक है, इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। यहाँ से एड वैल्यू मैंने कर दिया ग्राफ। अच्छा हाँ, इसका जो ग्राफ है ऑलरेडी प्लॉट होता जा रहा है, इसमें ग्राफ प्लॉट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन डायरेक्ट ये प्लॉट हो जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कितने वोल्ट पे कितना जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप 200 वोल्ट पे इतना जा रहा है, 194 पे इतना जा रहा है, ठीक है, इस पे देखिए 170 पे इतना जा रहा है, यहाँ पे 168 पे इतने जा रहा है, ठीक, यहाँ पे जो लाइन होगी 1300 जा रहा है, यहाँ पे देखिए 1262 जा रहा है। ये जो कर्व आपका बना है ये वोल्टेज और स्पीड के बीच में बना हुआ है। तो वोल्टेज और स्पीड कर्व हम इस तरीके से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, हर लैब को हम प्रिंट कर सकते हैं और इसको फाइल में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो टेबल भी आ रही है, और ये इक्विपमेंट भी आ रहा है, और कनेक्शंस भी आ रहे हैं, और ग्राफ भी आ रहा है।
जो कि हम एक पन्ने में आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो आप लोग इस लैब को करिएगा जरूर, और आप लोगों को कैसा लगा हमको बताइए, ठीक है।